हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है बीकाराम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीआरबी फोटो एंड वीडियो। तो दोस्तों आज मैं है जो मूविंग फोटो से वीडियो एडिटिंग करने वाला हूं, वो भी अलाइट मोशन जैसा काइन मास्टर से। बहुत ही गजब की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर रहें तो हमारे चैनल को इस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई हमारी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कैन मास्टर के बारे 9.16 के रेजुलेशन को सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपका मीडिया ब्राउजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी रेजुलेशन को कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। जितनी सेकंड की आप वीडियो बनाना चाहते हैं उतनी इसकी रेजुलेशन को रख देना है। फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है और कुछ HD फोटोज़ आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कुछ HD फोटोज़ हैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन आपको कर देना है। करने के बाद में आपको आगे आ जाना है। आगे आने के बाद में नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी से जो सभी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सभी फोटो को है जो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाना है और फर्स्ट वाली फोटो पर टैप करना है। फर्स्ट वाली फोटो पर टैप करने के बाद में आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में फिल्टर पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, बेसिक पर क्लिक करना है और आपको जो भी फिल्टर अच्छा लगता है वो फिल्टर आपको यहाँ पर लगा देना है। नेक्स्ट फोटो पर टैप करना है, सेम प्रोसेसिंग आपको करनी है और सभी फोटो में है जो फिल्टर को लगा देना है। तो बेसिक फिल्टर पर क्लिक करेंगे और अलग अलग फिल्टर हम है जो अलग अलग फोटो में लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है और जो भी कलर अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के से हमें ये मोटिव होता है कि हमारी वीडियो कितने परसेंट अच्छी बनी है। और दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे, एडजस्टमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, जैसे कलर रखना चाहते हैं वो कलर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस यहाँ पर है जो सभी फोटो में है जो मैं कलर और इफेक्ट को फिल्टर को लगा देता हूँ। फिर आपको स्टार्टिंग पोज पर आना है और सभी के आइकन पर टैप करना है और फोटो को थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करेंगे तो प्लस आइकन पर क्लिक करना है। प्लस का आइकन दिख रहा है और फोटो को कुछ इस तरीके से मूव करना है। थोड़ा सा और आगे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और मार्क कर देना है और यहाँ पर इस तरीके से फोटो को मूव करना है। तो सभी फोटो में आपको कुछ इस तरीके से ही मूव करना है। तो जैसे आप अलाइट मोशन पर करते हैं ऐसे ही आपको है जो काइन मास्टर पर बहुत आसान तरीके से जो आप फोटो को मूव करके वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम रील्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये वाले फोटो है जो कंप्लीट कर दिए। अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमारी फोटो है जो बहुत शानदार तरीके से मूव हो रही है। अब नेक्स्ट फोटो पर टैप करेंगे, नेक्स्ट फोटो पर सेम प्रोसेसिंग आपको करनी है। तो यहाँ पर है जो असाबी के आइकन पर आप टैप करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करेंगे, पिन कर देंगे। पिन करने के बाद में दूसरी वाली फोटो को यहाँ पर है जो पिन करेंगे, इस साइड में फोटो को ले जाएंगे। जहाँ पर आपकी रेड लाइन दिख रही है वहाँ से आकर आपको फोटो को रोक देना है, क्योंकि फोटो का बोल्ड रेज़ तो सभी को एक ही। जैसे आपको फोटो है जो मूविंग करना है ऊपर नीचे करवाना चाहते हैं तो आप ऊपर नीचे भी फोटो को मूव कर सकते हैं या लेफ्ट राइट में भी आप मूव कर सकते हैं। देन गाइस इस तरीके से सभी फोटो है जो हम मूव कर देंगे। तो जल्दी जल्दी जो मैं सभी फोटो को मूव कर देता हूँ और आगे क्या प्रोसेसिंग रहेगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। से आपको स्टार्टिंग पोज पर आना है, लेयर के ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेना है और आपको एक शेडो के पट्टी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से शेडो वाली ये पट्टी है जो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये वाली शेडो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, शेडो को सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन आप कर लेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है और इसकी लेयर को भी आपको बढ़ा देना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को भी है जो बढ़ा देंगे। जितना आपका वीडियो है उस हिसाब से शेडो को बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद में आपको कुछ इसमें एडजस्टमेंट कर देना है। तो यहाँ पर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपको जो सॉन्ग सिलेक्ट करना है, जो भी लिरिक्स सॉन्ग आपको पसंद आता है वो सॉन्ग आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन गाइस यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके आपको आगे की प्रोसेसिंग बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, ब्लेंडिंग के ऑप्शन क्लिक करेंगे और मल्टीप्लेक्स कर देंगे। मल्टीप्लेक्स करने के बाद में आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको क्या करना है, इसको है जो सही से थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो इसको है जो हम शेडो में ले आएंगे। यहाँ पर अगर आपकी शेडो वाइट है तो
आपको ये नाम अच्छे से दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें है जो रिप्लेस करेंगे, तो पहले इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं और फिर इसको है जो शेडो को रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें अगर आप चाहे तो फिल्टर दे सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। अगर आपको एडजस्टमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो इसको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। मैं है जो इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मैंने रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद में ये वाली पट्टी को हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर लगा देना है वाइट में, और यहाँ पर आपको है जो लिरिक्स सॉन्ग को लगा देना है। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, बड़ा करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। लगाने के बाद में अब दोस्तों मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कितना शानदार और कितना ऑसम हमारा वीडियो बन गया है। तो आप है जो बिना अलर्ट मोशन एप्लीकेशन यूज़ किए भी काइंड मास्टर से बहुत शानदार वीडियो बना सकते हैं। फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला टेम्पलेट वीडियो है, इसको है जो हम सेलेक्ट करेंगे और इसको भी फुल स्क्रीन कर देंगे कुछ इस तरीके से। फुल स्क्रीन करने के बाद में आपको ब्लडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों देख सकते हैं ये है जो ब्लडिंग हो चुका है। फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और एक बॉर्डर पीएनजी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर पीएनजी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके इसको भी है जो स्क्रीन कर देना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है यहाँ पर। तो इसको मैंने फुल स्क्रीन कर दिया और हमारा है जो व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनकर हो चुका है रेडी। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी एक और नई वीडियो साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।